बाइक का चेन लुक कर लेते हैं एंड उसके बाद इधर से निकल जाएंगे सर। इस ऑल राइट गाइस, सो चेन लूप हो चुका है एंड अभी निकलते हैं इधर से। ओके सो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली वेल। एंड अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 11:30 और सोचे थे कि और थोड़ा जल्दी निकलेंगे बट GoPro में चार्ज नहीं था तो कैमरा ये सब चार्ज करते करते थोड़ा लेट हो गया। एंड अभी जा रहे टूवर्ड्स जलपाईगुड़ी एंड मतलब आज जैसे कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कभी कभी भूल जाता हूँ कैमरा एसेसरीज चार्ज देने में एंड माइक वाइक ये सब सेटअप करते करते थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। एंड गाइस आई होप कि आप लोग सभी का दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छा से गया है। इस बार का जो दुर्गा पूजा था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब हर बार पूरा एकदम रोड पे जैम रहता है एंड लाइटिंग वाइटिंग वगैरह सब कुछ रहता है बट इस बार पेंडेमिक के लिए जो लोग थोड़ा सा ओल्ड एज के थे मतलब 40+ वो लोग पूजा देखने तो नहीं निकले थे, मतलब निकले थे तो बहुत ही कम, तो इसी के लिए इस बार पूजा में गैदरिंग कम ही था लगभग। और गाइस बहुत सारे भाई लोग इंस्टाग्राम पे DM कर रहे थे कि भैया ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो गाइस ब्लॉग तो फाइनली आ गया चैनल पे, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर देना। तो आगे पहुंच चुका हूँ झंखाड़ मोड़, है ना, आज तो सूरज देवता काफ़ी अच्छा रूप से प्रकट हुए हैं, चारों तरफ पूरा ब्राइट ब्राइट होकर रखा है और दिन का टाइम पे तो गर्मी लगता है चलो जी ठीक है बट अभी रात का टाइम पे ठंडा लगना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि विंटर बस आने ही वाला है और इधर पे तो जैम। तो गाइस चलो ये सब जैम छोड़ के आप लोग से आगे मिलते हैं। तो गाइस आज जा रहे हैं जलपाईगुड़ी का सामने पहाड़पुर बोल के एक जगह है उधर पे एंड कुछ काम है उधर पे, तो चलते आज का व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो गाइस वीडियो में बने रहना। नहीं दिखता है क्या इन लोग को, मतलब अपना मन से चलता है एकदम, इतना बार हॉन्ग मार रहा हूँ। गाइस आप लोग वीडियो में इतना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट दिखा रहे हो क्या बताए, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते जाओ एंड 10 के सब्सक्राइबर्स का बहुत करीब हो हम लोग, तो गाइस जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो गाइस आज हम लोग जाएंगे ये वाला रोड से अंबाड़ी होके जाएंगे आज एंड वो वाला रोड से क्यों नहीं गए, वो वाला बोले तो जो झंगार मोड़ होके फिर नौकाघाट मोड़ तीन बत्ती होके फटापुकुर होके जो रोड जाता है वो नहीं जाने का रीज़न यही है कि वो वाला रोड का हालत काफ़ी ख़राब है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है रोड का बीच बीच में, सो इसी के लिए मैं वो रोड को अवॉइड कर रहा हूँ एंड फिलहाल तो आके पहुँच चुका हूँ घोड़ा मोड़। एंड गाइस चेन लूप कर लिया तो बाइक अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, चेन से कोई साउंड वाउंड नहीं आ रहा है, नहीं तो ये तो मालूम है आपको तो बाइक जो है ओपन चेन है तो थोड़ा सा डस्ट वस्ट उधर पे लगने से ही साउंड आना स्टार्ट हो जाता है एंड मेरे को काफ़ी इरिटेटिंग लगता है वो साउंड। एंड गाइस अगर आप लोग को गाजलडोबा जाना है तो गाजलडोबा है इधर से लेफ्ट लेके ये रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके आप लोग को जाना पड़ेगा स्ट्रेट एंड गाजलडोबा का ब्लॉग अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा तो जाके देख लेना वो ब्लॉग। और लास्ट वाला ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाया था कि मेरा जो बाइक का टायर है रियर टायर वो मैंने चेंज किया है, सो अभी मैंने लगवाया 130 सेक्शन का टायर तो बाइक एक अच्छा स्पीड लिमिट पकड़ रहा है क्योंकि इसका पहले का जो टायर था वो था 140 सेक्शन का टायर तो उससे थोड़ा सा भी होने से बाइक कम खींचता था बट अभी 130 है तो आगे से थोड़ा बहुत फ्री हो चुका है। मैं तो डर ही गया, मैं सोचा ऑपोजिट साइड से कोई व्हीकल आ रहा है फिर देखा नहीं साइड से ट्रेन जा रहा है। काफी अच्छा लग रहा है ये वाला रोड एकदम स्ट्रेट जाता है एंड बगल में है रेलवे ट्रैक
और काफ़ी एक मस्त राइड, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो गाइस एंजॉय द रोड, एंजॉय द म्यूजिक एंड मैं मिलता हूँ आप लोग से आगे। चलो कितना सही लग रहा है ये वाला रोड, आप लोग देख लो। वाओ अमेजिंग। भाई साहब इधर पे रेलवे क्रॉसिंग भी बंद है, हाँ ये वाला ही था रोड। 2000 years later। तो गाइस इधर का जो काम था वो हो चुका है डन एंड अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि इसका आगे का जो फुटेज था उसमें ऑडियो कुछ आया नहीं, तो मैं जब इधर पे आके बैठ के थोड़ा सा चेक तो दिखा कि कुछ उसमें ऑडियो नहीं है। तो गाइस कोई बात नहीं, मैं अभी चलूँगा इधर से हाईवे होके एंड इधर से आप लोग को और दिखाते हैं। मतलब गाइस मेरे को जो लग रहा है मेरा माइक का जो बैटरी है उसको मेरे को जल्दी से जल्दी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कभी कभी ब्लॉग बनाने जाऊंगा तो देखेंगे बाद में जाके कि उसका ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। एंड हाँ बेला को पा होके मैं ये वाला रोड से निकला था वो टाइम पे, मतलब सारा मेहनत पानी में हो गया। चलो गाइस कोई नहीं, फिर कभी आऊंगा तो वो वाला रोड को फिर दिखाऊंगा। और इधर पे रोड का हालत थोड़ा सा ख़राब भाई साहब, मतलब कोई अगर रात को इधर से अगर गिरेगा बहुत कुछ हो सकता है। भाई साहब खड़ा ही हो जाता हूँ, बेस्ट तो ही रहेगा। पर काफ़ी ख़राब है फुल बॉडी का उधर पे रोड का कंडीशन। इधर पे तो मत ही पूछो यार, इधर पे बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड इधर पे मिलने वाला है, देख रहे हो। फाइनली फाइनली बुरा रोड ख़त्म हो गया थोड़ा देर के लिए, फिर भी आगे मिलने वाला है। तो गाइस अभी आके पहुंच चुका हूँ फाटापुकुर एंड गाइस इधर पे और एक टोल गेट बन रहा है तो उसी का काम चल रहा है इधर पे। इधर पे थोड़ा सा रुके थे टाइम लैप्स का एक शॉट लेने के लिए एंड अभी निकलेंगे इधर से और देखते हैं सामने जाके शायद से ब्लॉक को एंड कर देंगे।
सो गाइस आई होप कि आज का वीडियो में आप लोग को मज़ा आया होगा एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। और गाइस हम लोग 10 के सब्सक्राइबर्स से बहुत करीब है, तो जाओ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जैसे न्यू वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसका वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करके इधर पे एंड करते, तो गाइस एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राइड हार्ड, राइड सेफ, से सावधान रहो, बाय बाय, टेक केयर। तो चलो यार गाइस, साइन अप, बाय।